अपडेटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न 2022 का एक ज्वलंत मुद्दा है जिसे फिनांस मिनिस्टर साहिबा ने अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)(a) में इंट्रोड्यूस किया है। अब लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि ये अपडेटेड रिटर्न है क्या, क्योंकि ये वर्ड आज से पहले कभी नहीं था। तो मैं मनीष क्रॉस बिजनेस मॉनिटरी में आपका स्वागत करता हूं और आज हम अपडेटेड रिटर्न का बजट 2022 में जो इंट्रोडक्शन हुआ है उस पर हम समीक्षा करेंगे। आप बिजनेस का ग्रोथ चाहते हैं, टैक्स का अपडेट चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करने से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अपडेटेड रिटर्न, फिनांस मिनिस्टर ने ये बोला है कि अगर आपने पिछले 1-2 सालों में आपने रिटर्न नहीं भरा है या आपने रिटर्न भरा है और कोई इनकम डिस्क्लोज करना भूल गए हैं, तो हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जहां पर आप अपने रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न के अनुसार फाइल कर सकते हैं और इस अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के बाद आपका जो भी अनडिस्क्लोज अमाउंट्स का जो इनकम है, चाहे वो इंटरेस्ट का इनकम हो, डिविडेंड का इनकम हो, कैपिटल गेन का इनकम हो, सैलरी हेड का इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी का, इसका मतलब किसी भी हेड का जो इनकम है, किसी भी हेड का जो इनकम है आप उसको डिस्क्लोज करें, उसके ऊपर टैक्स दें और अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर दें। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के पहले आपको फिनांस मिनिस्ट्री ने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कह दिया है कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न अपलोड करने चाहते हो तो सबसे पहले आपको एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि आप अपडेटेड रिटर्न तो फाइल कर सकते हो, आप अपने इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ अमाउंट एज ए एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन में लिख दिया गया है कि अपडेटेड रिटर्न जब तक फाइल नहीं हो सकता है जब तक आप एडिशनल इनकम टैक्स पे नहीं करोगे। तो यहाँ पर दो चीज़ आती है, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है तो आपके टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, और अगर आपने रिटर्न फाइल किया हुआ है, 1-2 इनकम आप डिस्क्लोज करना भूल गए हो, जैसे इंटरेस्ट इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, डिविडेंड इनकम, तो आपको उस एडिशनल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है और उस एडिशनल इनकम टैक्स को पे करना है, उसके बाद ही आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अपडेटेड रिटर्न मैं तो पिछले 10 साल का फाइल कर सकता हूं, मैंने पिछले 3 सालों से आईटीआर नहीं फाइल किया है, मेरा कुछ टीडीएस पड़ा हुआ, मैं उसको क्लेम कर सकता हूं। तो रुकिए, आप सिर्फ 24 महीना पहले तक का फाइल कर सकते हो, मतलब कि इनकम टैक्स ने ये बोला है कि अगर आप रिटर्न भरना भूल गए थे या आप अपना इनकम डिस्क्लोज करना भूल गए थे तो पिछले 2 साल का, पिछले 24 मंथ तक ही आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो फ्रॉम इन ऑफ असेसमेंट ईयर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर मैंने 31 मार्च 2020 का रिटर्न फाइल किया 6 लाख का और मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम था, उस टाइम मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाया, तो 31 मार्च 2020 जो मेरा फिनांशियल ईयर था उसका असेसमेंट ईयर हो जाता है 31 मार्च 2021, और 31 मार्च 2021 से 24 महीने तक मैं अपने रिटर्न को फाइल कर सकता हूँ। इट मीन्स कि 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023, तो अगर आपने 31 मार्च 2020 का रिटर्न आप सुधारना चाहते हो, कोई इनकम डिस्क्लोज करना चाहते हो, तो आप ये अपडेटेड रिटर्न का बेनिफिट उठा सकते हो और आप 31 मार्च 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करके अपना लॉस बढ़ा सकता हूं? तो जी नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ कंडीशन रखा है। पहला कंडीशन है, आप अपना कोई भी लॉस इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे मैं बिजनेस कर रहा था और मैंने अपना लॉस दिखाया हुआ था पहले से 1 लाख रुपया, अब मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करके 2 लाख 5 लाख 10 लाख लॉस क्रिएट नहीं कर सकता। मतलब आपका अपडेटेड रिटर्न में इनकम तो इंक्रीज करेगा लेकिन एक्सपेंडिचर या जो आपका लॉस है वो रिड्यूस करता है, तो वो अपडेटेड रिटर्न एक्सेप्टेड ही नहीं होगा। तो अपडेटेड रिटर्न सिर्फ एक सूरत में आपको अलाउ करता है, जब आप इनकम बढ़ाते हो और उसके ऊपर आप एडिशनल टैक्स पे करते हो। दूसरा पॉइंट, अगर आपके ऊपर असेसमेंट चल रहा हो, सर्वे चल रहा हो, सर्च चल रहा हो, तब भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। लेकिन
आपको नोटिस आया हो और अभी आप नोटिस का जवाब दे रहे हैं, उससे पहले आप अपना अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। अपने जो भी आपका जो अनडिस्क्लोज अमाउंट है या जो इनकम आपसे छूट गया था, रह गया था डिस्क्लोज करना, आप उसे डिस्क्लोज कर सकते हो। जब आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो उस टाइम आपको सारी बेनिफिट मिलेगा, लाइक TDS का बेनिफिट मिलेगा, अगर आपके पास कोई रिलीफ है सेक्शन 89 का वो उसका बेनिफिट मिलेगा, आपने एडवांस टैक्स पे कर रखा उसका बेनिफिट मिलेगा, इसके साथ ही सारे इंटरेस्ट आपके ऊपर अप्लीकेबल होंगे, वो सेक्शन 234 का जितने भी सेक्शन है, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एक्सेट्रा, जितने भी सेक्शन हैं उस पर इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा और वो इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अपडेटेड रिटर्न 24 महीने तक फाइल हो सकता है, बिना एडिशनल टैक्स के हम एडजस्टेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करूंगा कि अगर आपने कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं किया है, चाहे वो इनकम रिटर्न फाइल किया हो या नहीं फाइल किया हो, तब अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप अपने इनकम को डिस्क्लोज कर दें। इनकम टैक्स लगेगा, थोड़ा सा एडिशनल टैक्स भी लगेगा, लेकिन आपके ऊपर कम से कम पेनल्टी इम्पोज नहीं किया जाएगा, अप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2022 से, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर सर्कुलर और फॉर्म इशू करेगा। तो जब तक के लिए आप न्यू अपडेटेड रिटर्न के बारे में कोई भी सवाल का जवाब जानना चाहते हो, कमेंट। बजट 2022 में अपडेटेड रिटर्न के बारे में जो भी चीज बताया गया है उसका समरी ये है, कोई भी पर्सन अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। कोई भी पर्सन का मतलब इंडिविजुअल फाइल कर सकता है, फर्म फाइल कर सकता है, LLP फाइल कर सकता है, कंपनी फाइल कर सकता है। ये रिटर्न 12 महीना से 24 महीना के अंतर्गत फाइल किया जा सकता है फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। जब भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एडिशनल टैक्स पे करना है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने अपडेटेड रिटर्न में लॉस इंक्रीज नहीं कर सकते, अपना रिफंड जो पहले आपने फाइल किया हुआ है उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, लेकिन आप अपना इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आपका अपडेटेड रिटर्न होगा बिना एडिशनल पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स के फाइल हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बजट 2022 में अपडेटेड रिटर्न के रिगार्डिंग क्या चेंजेज आया है, क्या अमेंडमेंट आया है। अगर आपका कोई भी सवाल हो अपडेटेड रिटर्न के बारे में, बजट 2022 के अमेंडमेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल अपना लिख सकते हैं, वहां पर आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। थैंक